अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं सुलेखा खान, सुलेखा किचन से। चलिए आज बनाते हैं बम्बई स्टाइल, बम्बैया स्टाइल, एकदम हरा कीमा मटर के साथ। मतलब एकदम ईरानी होटलों में जो मिलता है ना, बस उस वही समझ लीजिए कि आप वही बनाने वाले हो आज। अच्छा, मैं तो इसे रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो पराठा के साथ सर्व करें, लेकिन इसे आप कड़क पाव यानी कि ब्रून पाव के साथ अगर खाओगे मजा आ जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाने वाली, ट्रस्ट मी। पर मेरे यहाँ नीचे मिलता नहीं है तो मैं दिल पे पत्थर रख के रोटी या पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, या साधारण यानी कि ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, एक फ्राई पैन या कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए एक तेज पत्ता, एक हरी इलायची और 1/4 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा। इसे तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो एक मीडियम साइज की प्याज बारीक काट कर, छुंदा काट कर डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए फास्ट आंच पर। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती प्याज। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए हल्की, तो इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का मैं पानी डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब कच्चापन हट जाए अदरक लहसुन के पेस्ट का, तो ये धोया हुआ 250 ग्राम मटन कीमा है, इसे डाल दीजिए। मैंने चूल्हा मीडियम कर दिया और इसे बार बार चलाते हुए आप फ्राई कीजिए कीमे को। तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये जो कलर है ना कीमे का चेंज नहीं हो जाता। तब तक जब कुछ मिनटों में इस तरीके से कलर चेंज हो जाता है, तो डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और एक या फिर मेरी तरह मैं डेढ़ डाल रही हूँ छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 कप जितना पानी डाल दीजिए। सबको मिक्स कर लीजिए और मीडियम आंच पे 1-2 मिनट तक इसे भूनने दीजिए। मैं जीरे का पाउडर डालना भूल गई, तो आधा छोटे चाय का चम्मच जीरे का पाउडर भी डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। अच्छा, ये देखिए 2-3 मिनट में तो इस तरीके से सूख जाएगा। तो दही डाल दीजिए तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जितनी, डालकर चलाते रहें, मिक्स करें और इसे भी भून लीजिए 2-3 मिनट तक, या तब तक भूनिए जब तक फिर से तेल नहीं छूट जाता। मीडियम आंच पर ही इसे भी भूनिएगा। दही भी भून जाए इस तरीके से, तो डाल दीजिए मटर। यहाँ पर मैंने 1/4 कप से ज्यादा ही मटर लिए, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ये फ्रोजन मटर है, आप फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं। इसे डालकर 1/2 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दीजिए, फ्राई होने दीजिए मटरों को। जब 1/2 मिनट हो जाए, तो अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, 1/2 से 1.25 कप जितना पानी डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए और मीडियम आंच पर उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे पकने दीजिए तकरीबन 15-20 मिनट तक। कुकर में बनाने के लिए प्रोसीजर सेम ही रहेगा। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए, सीटी 2-3 खिलाकर बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा हरा धनिया लीजिए धोया हुआ, ये देखिए मैं आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ, 1/4 कप जितना टाइटली पैक्ड हरा धनिया है। कौली डंडिया भी मैंने ली और धोए हुए हैं। मैं 3 हरी मिर्चियाँ डाल देती हूँ, 8-10 ये पुदीने के पत्ते डाल दीजिए, थोड़ा पानी डालकर इसे बारीक पीस कर इसे साइड पर रख दीजिए। 20-22 मिनट हो चुके हैं, मैंने बीच में एक बार चेक किया था पानी कम लगा था, तो 1/4 कप पानी डालकर मैंने चलाकर फिर से ढक के रख दिया था दम पे। हाँ, अब डाल दीजिए 1/2 छोटा चाय का चम्मच हाथों की मदद से क्रश करके कसूरी मेथी, चुटकी भर गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। अच्छा, ये जो हरा मसाला हमने बना के रखा है, हरा धनिया और इसका, ये देखिए ये तो पक चुके हैं, जैसे मैं आप दिखा देती हूँ आपको, दोनों भी पक चुके हैं। तो ये जो मसाला बना के रखा है, ये ग्रीन वाला, ये सारा डाल दीजिए। अब वो जो मिक्सर जार है उसके अंदर 1/4 कप पानी डालिए और अच्छे से चलाकर मटन में कीमे में डाल दीजिए। एक बार ये सारी चीजों को चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से, और बस स्लो आंच पर 1-1.5 मिनट तक पकने दीजिए। 1-1.5 मिनट हो जाता है तो मीडियम आंच कर 1/2 मिनट पकाएं, और थोड़ा सा हल्का हल्का तेल आपको लगे छूटने जैसा तो चूल्हा कर दीजिए बंद। नमक एडजस्ट कर लीजिए अगर आपको लगे तो। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, हरा जो मसाला हमने डाला है उसके बाद, उसका मकसद ये है कि जो कच्चे कच्चे सौंधी खुशबू आती है कोथमीर यानी हरा धनिए की, ये जो खाने में इसका जो फ्लेवर आता है कच्चेपन का,
बहुत ही मजा आता है, मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इसे ढककर स्लो आंच पर 4-5 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट उसकी जो खुशबू है वो कम हो जाएगी। चलिए मैं 1-2 हरी मिर्चों को स्लिट मार के डाल रही हूँ मजेदार चटाके के लिए। आप चाहे तो नींबू भी थोड़ा निचोड़ सकते हैं। और चलिए चूल्हा कर देते हैं बंद। हो गया हमारा पक गया बम्बैया स्टाइल एकदम हरे मसाले वाला कीमा मटर दाल के। तो चलिए मैं आपको चख के बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजा आ गया, एकदम कड़क पाव की जरूरत है और मैं यही शुरू हो जाऊंगी। वैसे मेरे यहाँ कड़क पाव मिलते नहीं है, बहुत ही दिक्कत वाली बात है, पर मैं कोई बात नहीं, रोटी के साथ या पराठा, पराठा अगर कड़क पाव के साथ नहीं खा रहे तो पराठे के साथ खाना बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो बनाएं मेरी ये रेसिपी और मजेदार से खाएं और एंजॉय करें, बहुत ही बढ़िया बना है, मजेदार टेस्ट है इसका। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए ये वाले वीडियो को, और अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप बनाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और बस फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।